हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिंगापुर वीज़ा के बारे में बताऊंगी। सिंगापुर का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडियन हैं तो, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड अगर आपके पास कोई और वीज़ा है तो क्या आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी क्या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में करूँगी, क्योंकि मैं सिंगापुर जा रही हूँ और मैंने अभी रिसेंटली बेसिकली फेब्रवरी के सेकेंड लास्ट वीक में ही अप्लाई किया था सिंगापुर का वीज़ा। एंड येस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली बात तो सिंगापुर का जो वीज़ा है वो आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनरली मैं सारे वीज़ाज़ खुद से अप्लाई करती हूँ, बट ये वाला वीज़ा मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑल्दो ये ई वीज़ा का पोर्टल है जो आप एक्सेस कर सकते हो, बट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए या तो आपको कोई सिंगापुर का लोकल कॉन्टैक्ट चाहिए, मतलब कोई बंदा जो सिटीज़न हो सिंगापुर का, या फिर उनके पास PR हो, या फिर आपको ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें यही इम्पॉर्टेंट चीज़ रिमेम्बर करने की है कि आप खुद से तो ये अप्लाई कर ही नहीं सकते, आपको कोई एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका कोई लोकल कॉन्टैक्ट है सिंगापुर में तो आप उनसे बोल दीजिए अप्लाई करने के लिए। नाउ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि सिंगापुर वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है, तो वो होती है $30। तो एंड फिर उसके ऑन टॉप ऑब्वियसली जो एजेंट है वो अपने अलग से फ़ीस लेंगे। तो मुझे कुछ पड़ा था ये 2530 INR का वीज़ा। एंड प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम 3 to 5 वर्किंग डेज है, बट मुझे एक ही दिन में मिल गया था। तो आप मतलब ट्रिप से 2 हफ्ते पहले भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको मिल जाएगा। जनरली आप ये वाला वीज़ा सिर्फ 1 महीने पहले, मतलब 1 महीने मैक्स पहले ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब विद इन 30 days ऑफ ट्रैवल ही आपको अप्लाई करना है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो वही, अगर आपका डेट है 1 March का घूमने का, तो आप 1 February से पहले अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको उसी पीरियड में करना है। तो ये तो प्रोसेसिंग टाइम और वीज़ा फ़ी की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि वैलिडिटी और वो सब कितने का होता है। तो वैलिडिटी आपको 1 to 3 महीने का मिल सकता है सिंगापुर का, बट जनरली वो स्टे सिर्फ 30 days का अलाउ करते हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर देयर। कुछ केसेस में आपको दो साल का भी वीज़ा मिल सकता है, जैसे मेरी मम्मी को मिला है। मैं अपनी मम्मी को लेके जा रही हूँ इस ट्रिप पे फॉर हर बर्थडे, एंड मुझे तो 2 महीने का मिला है वैलिडिटी, बट उनको 2 साल का मिला है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी, उनके दिमाग में जो चलता है उसके हिसाब से वो आपको वैलिडिटी देंगे बेसिकली। एंड वही वीज़ा जो आपका, आप प्रिंट आउट निकाल लोगे ई वीज़ा का, उस पर यूनिक ई वीज़ा नंबर होगा, एंड आपको जब आप बोर्ड कर रहे होगे फ्लाइट और वहाँ पे इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे होगे, तो आपको यही डिटेल्स आपको दिखानी होगी उधर। अब आते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने नियरेस्ट ऑथराइज्ड एजेंट ढूंढना होगा, क्योंकि हर सिटी में अलग होगा। मैं दिल्ली से अप्लाई कर रही थी, तो यहाँ पे स्काईलाइन वीज़ा मैनेजमेंट करके है, तो मैंने उनके थ्रू किया था। एंड एक दो ऐसी अजीब सी चीज़ें थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बट हाँ जनरली उनका प्रोसेस सिंपल था। आप ईमेल डाल दीजिए इनमें से कोई एजेंट्स को, या फिर आप कॉल करके पूछ लीजिए, एंड वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे कि ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या उनको सबमिट करना है, एंड जो भी हैं वो सब वो आपको ईमेल्स और कॉल्स में बता देंगे। तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी ऑथराइज एजेंट लिस्ट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शेयर कर रखा है, जिसके थ्रू आप सिंगापुर ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी देख लीजिएगा लिस्ट में, जो भी आपको सही लग रही है आप उनके थ्रू करवा सकते हैं। नाउ कमिंग टू डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको फॉर्म फिल करना होगा, 14A करके होता है। उसमें आपको सारी डिटेल्स रखना कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह, और क्यों जा रहे हो, ये सब होगा। एंड इसमें एक स्पेशल फील्ड भी होता है कि आपका ईयरली सैलरी कितना है इन सिंगापुर डॉलर्स। तो मेरा इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब मेरा कुछ 7,000-8,000 सिंगापुर डॉलर्स आ रहा था, विच अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज एजेंट, मतलब वीज़ा जो अप्लाई करते हैं उनके हिसाब से कम था। तो जनरली दे सेड के एलिजिबिलिटी वो चेक करते हैं, जिसमें आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस और सैलरी वगैरह, इन सब के बेसिस पे भी वो वीज़ा देते हैं। तो अगर आपका 10,000 सिंगापुर डॉलर्स है ईयरली इनकम, सो देन आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल हाई हैं। अगर आपका उससे कम है तो चांसेस थोड़ा कम है,
तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप फ़्लाइट्स ना बुक करें, आप पहले ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें, एक महीना पहले ही सबसे पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें एंड फिर उसके बाद फ़्लाइट्स बुक कर लें, क्योंकि फ़्लाइट्स आपको जनरली दिखाना नहीं होता है। मैंने तो दिखा दिया था तो वो अलग बात है, बट हाँ नेसेसरी नहीं होता फ़्लाइट्स दिखाना। तो वही है, मुझे पता नहीं था ये ऐसा कोई रूल है, क्योंकि जनरली ये कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं लिखा नहीं होता है, बट जब मैं सबमिट कर रही थी तो इन्होंने मुझे ये बोला था एंड थैंकफुली, लेकिन मुझे फिर भी वीज़ा मिल गया था क्योंकि मैंने कवर लेटर ढंग से लिखा था एंड फ़्लाइट फ्लाइट सब बुक थे, तो इसलिए प्रॉब्लम है हमें दे दिया। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर आपका 10,000 सिंगापुर डॉलर्स नहीं हो रहा है ईयरली सैलरी, तो आप पहले ही अप्लाई कर लीजिए, एक महीने, जैसे ही एक महीने वाला ड्यूरेशन शुरू होता है आप तभी अप्लाई कीजिए, तो आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अब हाँ, तो ये तो फॉर्म हो गया, उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट। ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट में जैसे जनरली होता है 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 6 मंथ के बाद ही एक्सपायर होना चाहिए एंड 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। उसके बाद आपको 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, 35x45 mm की डायमेंशंस की, एंड उसमें आपको फेस वेस सब ढंग से दिखना चाहिए एंड 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए वो फ़ोटो। उसके बाद हाँ, और एक फ़ोटो पे आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, दैट्स ऑल्सो मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बैंक स्टेटमेंट्स, अप टू आपका 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। 3 मंथ्स बोलते हैं वो, कहीं 6 मंथ्स होता है, तो सेफ साइड के लिए आई गेस अगर आप जब जा ही रहे हो बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए, तो 6 मंथ्स का ही स्टेटमेंट लेके अटेस्ट करवा लीजिए, तो वो अटेस्ट करके आपको दिखाना होता है। एंड अगर आपके बैंक में 3 से 4 लाख है तो बेस्ट है, क्योंकि फिर उनको पता, क्योंकि जनरली सिंगापुर बहुत महंगा है, तो उनको पता रहेगा अगर आपके पास 3-4 लाख है तो आप अफोर्ड कर सकते हो एटलीस्ट 1-2 हफ्ते का ट्रिप, तो इतना तो आप बैंक बैलेंस में रखेगा। और 6 महीने के ड्यूरेशन में मतलब वो दिखना चाहिए कि इतना है, ऐसे एकदम से नहीं होना चाहिए कि एकदम से आपके 1 महीने पहले 3-4 लाख रुपए आ गए, दिल लगे कहाँ से आ गए तो हाँ, ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा आपको कवर लेटर लिखना होगा कि आपका पर्पस क्या है और आपके साथ और कौन से मेंबर जा रहे हैं। मैंने मेंशन किया था क्लियरली कि मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ, हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एंड मैं और भी कंट्रीज जा चुकी हूँ पहले, तो वो सब मेंशन किया था उसमें। इस थैंकफुली इस कवर लेटर में आपको इटनरी विटनरी नहीं मेंशन करना, बस मतलब आपका एंट्री और एग्जिट डेट मेंशन करना होता है कि आप कब एंटर कर रहे हो कब एग्जिट कर रहे हो, तो ये है। उसके अलावा आपको उसके बाद, ये तो बेसिक वाली डॉक्यूमेंट्स हो गई, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको अपना NOC दिखाना पड़ेगा, सैलरी स्लिप्स दिखानी पड़ेंगी 3 महीने की एंड मे बी एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना है तो। अगर आप बिजनेस ओनर हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन, MOH, ये सब में से कुछ दिखाना होगा। मेरा तो क्योंकि फ्रीलांसर रहता है तो मेरे पास ये कुछ नहीं रहता, तो जनरली मैं 2 साल का ITR दिखा देती हूँ एंड कवर लेटर में ये मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैं फ्रीलांसर हूँ / ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो ये सब मेरे लिए वो नहीं करेगा, मतलब मेरे पास है नहीं ये सब, तो हाँ ये सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है। और हाँ, फ्रीलांसर हो अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो आप वो भी दिखा सकते हो, मैं वो दिखा देती हूँ कि कोई भी फ्रीलांसिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो वो दिखा देती हूँ मैं। तो ये तो आपकी सारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गई। उसके बाद सिंपल सा है कि आप कोई अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, कुछ नहीं है, आप बस देखिए कि कहाँ पे आपको सबमिट करना है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, सब कुछ रेडी करने के बाद आप जाके वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, वो आपसे वहाँ पे फ़ीस ले लेंगे, वीज़ा फ़ीस जो भी है, एंड आपको एक रिसिप्ट दे देंगे एंड आपका ईमेल आईडी ऑब्वियसली उसमें होगा, तो जैसे ही आपका वीज़ा आएगा तो वो आपको ईमेल भेज देंगे कि आपका वीज़ा आ चुका है, उसमें ई वीज़ा अटैच्ड होगा एंड वो आपको कॉल करके भी बता देंगे। फिर जब आपको पता चल गया आपका ई वीज़ा आ चुका है तो आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए एंड दैट्स इट, उसके बाद तो डन प्रोसेस है, आपके पास ई वीज़ा है, अब आप घूम सकते हैं सिंगापुर। अब हम आते हैं वीज़ा फ्री ट्रैवल, मतलब टेक्निकली आपको हमेशा वीज़ा चाहिए होगा सिंगापुर का अगर आप इंडियन हैं तो, बट अगर आप 96 आवर्स से कम रहने वाले हैं और अगर आप कोई थर्ड कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी मीट करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होगी कि आपके पास ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए आगे जाने का, और आपका
आप कोई थर्ड कंट्री से आ रहे होने चाहिए, मतलब इंडिया से नहीं, कोई थर्ड कंट्री से, समझ लो आप इंडोनेशिया से आ रहे हो या कहीं से आ रहे हो, तो इंडोनेशिया से आ रहे हो आप, एंड आपका लेओवर, क्या कहते हैं लेओवर, क्या मतलब जो भी आप बोल लो आपका ब्रेक हो रहा है जर्नी सिंगापुर में, एंड देन आप वापस जा रहे हो इंडिया, ठीक है। तो उस केस में आप 96 आवर्स के लिए फ्री रह सकते हो। अगर आपके पास वीज़ा या फिर पीआर है कुछ ये 8 कंट्रीज़ में का वैलिड वाला, ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज़ कौन सी है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक है आपकी ऑस्ट्रेलिया, फिर है कनाडा, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वैलिड वीज़ा क्या होता है कि मतलब बेसिकली उस वीज़ा पे आप एंटर कर सकते हो इनमें से कोई भी 8 कंट्रीज़, ठीक है। एंड अगर ये मल्टीपल एंट्री वाली होगी तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट अगर ये सिंगल जर्नी वाली है एंड अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप मल्टीपल एंट्री वाले पे ही ये थोड़ा ट्राई कीजिएगा। सिंगल जर्नी वाले में क्या है कि सिंगल, अगर आपके पास सिंगल एंट्री वाला ये इनमें से कोई 8 कंट्रीज़ का वीज़ा है तो आप, आपको तभी वीज़ा फ्री ट्रांजिट अवेलेबल होगा अगर आप वापस आ रहे हो इंडिया पे, ठीक है, जाते वक्त नहीं होगा, वापस आते वक्त होगा। तो वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, बट येस, अगर आपके पास इन 8 कंट्रीज़ में से कहीं का भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा है एंड वो वैलिड है आपके सिंगापुर ट्रिप से पहले, तो आप यूज़ कर सकते हैं और आप 96 आवर्स घूम सकते हैं सिंगापुर में, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो गाइस, दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो प्लान करने के लिए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा एंड कैसे ट्रैवल कर सकते हैं सिंगापुर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आंसर करती हूँ। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में। ओके, बाय।